हेलो फ्रेंड्स, अब की स्टूडियो में हम लोग हमारा यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, पहले दो यूनिट हमने देखे, पहला था एकदम बेसिक इंट्रोडक्टरी यूनिट, फिर सेकंड यूनिट में आपने कंसिडरेशन से रिलेटेड रूल्स, फिर सारे जो भी एक्सेप्शन एंड ऑल वो सब चीजें थी वो सारी हमने देखी। अब हम लोग और हमारे एक बड़े से यूनिट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज यूनिट नंबर 3, दैट इज अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो हमने सेक्शन 10 देखा था, इसेंशियल एलिमेंट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या मैं बोलूंगा हम लोगों ने एकदम जब बेसिक वाले लेक्चर या बेसिक वाला जब यूनिट देखा था तब हम लोग देख रहे थे व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें कवर्ड बाय सेक्शन 10, नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 10, ऐसे हमने दो पार्ट किए थे, याद है सबको। तो उसमें जो कवर्ड बाय सेक्शन 10 है वो हम लोग अब सारे यहाँ पे देखने वाले, इज दैट क्लियर। तो अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग अहेड, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं और ये बता दूं कि हम पूरे यूनिट में पढ़ने क्या वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिट 3 में आप लोग ये कुछ चीजें पढ़ने वाले हो। सबसे पहला पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो हमने वहां पे जरूर देखा था कि ये एसेंशियल एलिमेंट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट आता है। पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बोला तो इसका मतलब क्या होगा बताना, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपको याद होगा तो हमने इसेंशियल एलिमेंट्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कैपेसिटी किस किस में मानी जाती है बताना, एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। बट वहां पे हमने सिर्फ इनके नाम देखे थे, अब यहां पे हम लोग हर चीज पूरी डिटेल में देखने वाले। तो हम पूरे यूनिट में देखो इतने पर्टिकुलर इसेंशियल एलिमेंट जो है वो हम लोग देखने वाले। ओके, बस इतने चार इसेंशियल एलिमेंट देखेंगे। कंसिडरेशन का ऑलरेडी हमने एक सेपरेट यूनिट में ही देख लिया है, तो कंसिडरेशन यहाँ वापस नहीं आएगी, लेकिन ये सारे एसेंशियल एलिमेंट बहुत डिटेल में यहाँ पे आने वाले। कौन से, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट विथ फ्री कंसेंट, याद है ना आपको, फ्री कंसेंट, कंसेंसस एड एडम। फिर हमने बोला कब आपका कंसेंट फ्री नहीं रहेगा, तो वो सब चीजें यहाँ पे आएगी। फिर उसके बाद में लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, तो लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे आपको पता है कि कंसिडरेशन या जो आपका पर्पज होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए, तो वो हमको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड, काफी लोगों ने बोला था सर मुझे हमको ये समझाई नहीं है, तो मैंने उस टाइम को आपको समझाया नहीं था। क्यों नहीं समझाया था, क्योंकि ये यूनिट 3 जो है इसमें ये सब चीजें बहुत डिटेल में आने वाली है, इस चीज को भी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली ये चार चीजें हमको इस पूरे चैप्टर के, या मैं बोलूंगा इस पूरे यूनिट के अंदर हमको यहाँ पे स्टडी करनी है, इज दैट क्लियर। ओके, अब हम लोग इस पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, इस इसेंशियल एलिमेंट से स्टार्ट करते, दैट इज व्हाट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 11 में आपको दिए गए हैं कि भाई कौन कौन सी पार्टी होती है विच इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज गिवन अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 11, सेक्शन 11 के अंदर दिया हुआ है कि पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और कौन सी पार्टी को कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तो ध्यान रखना एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब जिस पार्टी की एज 18 इयर्स और ज्यादा हो वो पार्टी होगी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, इट शुड बी साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए पर्सन। अब क्योंकि ये चीजें अब डिटेल में आएगी, एक बार समझो मैं यहां पे बस आपको नाम बता रहा हूं, जैसे यहां मैंने बता दिया कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट पढ़ने, तो अब पहले को मैंने यहां पे लिखा और पहले में ये 3 पॉइंट आ रहे, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद ये एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में हमको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। ओके, सिर्फ अब इतना लिख के काम नहीं चलेगा, तो हमको इसको पूरा अंदर तक जाके देखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात सबको, तो वैसे ही हम हर पर्टिकुलर पॉइंट के सब पॉइंट लिख के उसके अंदर अंदर तक जाएंगे। ओके, और ऐसे करते करते यूनिट का काम कंप्लीट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ये कहां पे दिया गया, सेक्शन 11 में दिया गया है। तो कौन कौन कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो जिसकी एज ऑफ मेजोरिटी है मतलब 18 इयर्स और मोर, जो साउंड माइंड है मतलब जो लुनेटिक, ड्रंकर्स, इडियट ना हो तो वो बंदा कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। और उसके अलावा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब वो पर्टिकुलर बंदा डिस्क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, लॉ ने उसको डिस्क्वालिफाई नहीं करना चाहिए, जैसे इनसॉल्वेंट, कॉन्विक्ट एंड ऑल इन ऑल, डिप्लोमेटिक पर्सन, वो सब चीजें इसके अंदर आएंगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, पूरे डिटेल में देखने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये चार इसेंशियल पढ़ने, उसमें हम लोग अब पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं, पहला बड़ा पॉइंट देखने जा रहे हैं, दैट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट।
और उसके अंदर निकले तीन पॉइंट, मेजोरिटी साउंड माइंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। अब उसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं एज ऑफ मेजोरिटी को, बात समझ में आ गई। अब इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, एज ऑफ मेजोरिटी। तो इतना पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा, मेनली बोलू तो इतना, फ्री कंसेंट में भी वो सब आएगा, अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड वगैरह वो डिटेल में आएगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पॉइंट आएंगे और इसमें भी बहुत सारे पॉइंट आएंगे। तो इन सबके सब पॉइंट करते करते हमको ये यूनिट कंप्लीट करना है। ओके, तो आप फटाफट क्या करो, इतना नोट कर लो, फिर हम लोग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का पहला पॉइंट एज ऑफ मेजोरिटी जो होता है उससे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले। ओके, अब फटाफट नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, अब हम लोग वापिस से देखते हैं ये सारे पॉइंट जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पहला पॉइंट देखने वाले, दैट इज एज ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, एज ऑफ व्हाट, मेजोरिटी। तो अब एक बात समझ के लेना, अगर आपको कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना है तो आपकी एज ऑफ मेजोरिटी चाहिए, है ना, आपकी क्या चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी। एक बात याद रखना, हमारे इंडिया में इंडियन मेजोरिटी एक्ट है। ओके, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, तो ये पर्टिकुलर एक्ट मेजोरिटी से डील करता है, डील्स विथ मेजोरिटी। कौन सा एक्ट है बताना, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। तो दिस पर्टिकुलर एक्ट डील्स विथ एज ऑफ मेजोरिटी। तो ये एक्ट बताएगा कि एज ऑफ मेजोरिटी क्या होती है, किस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितनी एज ऑफ मेजोरिटी चाहिए। जनरली ये सब कौन बताता है, आपका इंडियन मेजोरिटी एक्ट बताता है। ओवरऑल देखा जाए आपके जितने बाकी सारे एक्ट है, मैक्सिमम एक्ट जितने भी होंगे उनके लिए आपको ऐसे पकड़ के चलना है 18 ईयर्स कंप्लीटेड जो होता है उसको बोला जाता है मेजर पर्सन। ओके, जिसका 18 साल कंप्लीट हो गया उसको क्या बोला जाता है, मेजर पर्सन। और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट के लिए 18 इयर्स की एज ऑफ मेजोरिटी दी गई है। ओके, तो आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि हमारे इंडिया में एज ऑफ मेजोरिटी कितने बताना, 18 इयर्स है फॉर मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई। तो अगर आप 18 साल कंप्लीट हो चुके हो तो जाके आप लोग क्या बनते हो बताना, मेजर बनते हो। 18 साल से एक भी दिन अगर आपका कम होता है तो आप वहां पे मेजर नहीं माने जाओगे। 18th ईयर का जो आपका बर्थडे रहेगा, मतलब जिस पर्टिकुलर डे को आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करोगे आपका 18th नंबर का, उसी वक्त आप लोग मेजर माने जाओगे। उसके पहले दिन तक भी यू विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, माइनर, आपको माइनर माना जाएगा। बात समझ में आ गई। और अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब आपकी एज मेजोरिटी की हो जाए उस वक्त आप लोग क्या हो जाओगे बताना, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और उसी वक्त आप लोग क्या हो जाओगे बताना, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, याद रखना। तो हमारे इंडिया में एज ऑफ मेजोरिटी कितनी बोली जाएगी बताना फिर, 18 इयर्स। और ये वैसे तो किस एक्ट के अंदर दिया गया है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। बट जो मैक्सिमम आपके एज ऑफ मेजोरिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लगते हैं, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आप पकड़ के चलो, मैक्सिमम 95% केसेस में आपकी एज ऑफ मेजोरिटी 18 इयर्स ही लगेगी। ओके, तो ये हुआ आपका ये पर्टिकुलर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट, एज ऑफ मेजोरिटी। तो एज ऑफ मेजोरिटी के लिए 18 इयर्स कंप्लीट होने जरूरी है, कंप्लीटेड चाहिए, एक भी दिन कम होगा तो आप लोग मेजर नहीं माने जाओगे। क्लियर हो गई बात। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब बचो एक बात याद रखना, अगर आप मेजर नहीं हो लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज तो आप लोगों को क्या बोला जाएगा, माइनर बोला जाएगा। You will be called as what? Minor. आपको क्या बोलेंगे बताना, माइनर। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पता नहीं क्यों, ये माइनर बड़ा ही फेवरेट रहा है हमेशा इंस्टीट्यूट का। ओके, तो अब हम लोग क्या देखने वाले बताना, पोजिशन ऑफ माइनर या माइनर्स एग्रीमेंट। मतलब क्या हुआ, अब हम लोग क्या स्टडी करने वाले बताना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने तो बोला है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप
18 ईयर्स और मोर के होने चाहिए, मतलब आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और एक पार्टी का कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं, दोनों भी पार्टीज क्या होनी चाहिए बताना, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी की चाहिए। एक भी बंदा माइनर नहीं हो सकता, लेकिन क्या होगा जब आपने माइनर के साथ में एग्रीमेंट कर डाला, बात समझ में आ गई? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सिंपली बोलता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा तो आपको एज ऑफ मेजोरिटी का चाहिए, दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है दोनों की दोनों क्या चाहिए बताना, एज ऑफ मेजोरिटी की चाहिए। अगर आपकी एज ऑफ मेजोरिटी ना हो तो आप कभी भी कॉम्पिटेंट नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट को, आप क्योंकि माइनर होते हो। तो क्या होगा अगर कोई माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये हम लोग देखने वाले हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, ये पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट बड़ा प्रेम जताता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोग कहां पे बता दूं, एज ऑफ मेजोरिटी में, इंडियन मेजोरिटी एक्ट डील्स करता है मेजोरिटी के साथ में, और 18 ईयर्स कंप्लीटेड है तो मेजर बनोगे और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट रहोगे, लेकिन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज रही तो आपको क्या बोला जाएगा, माइनर। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। अगर कोई माइनर ने एग्रीमेंट किया तो फिर उसकी पोजीशन क्या रहेगी, ये हम लोग यहां पे स्टडी करने वाले। ओके, तो आप क्या करो, फटाफट इतना वापिस से नोट कर लो, अब हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए पार्टीज, और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कब रहेगा, जब वो एज ऑफ मेजोरिटी के होंगे। एज ऑफ मेजोरिटी कब होगी, 18 ईयर्स और अब होगी। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं तब क्या होगा अगर आपकी एज ऑफ मेजोरिटी कम हो या फिर आप एज ऑफ मेजोरिटी के ना हो, तब क्या पोजिशन होगी आपके एग्रीमेंट की, वो हम लोग देख रहे हैं। तो एक बात याद रखना, लॉ ने पहले बोला ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज ऑफ मेजोरिटी चाहिए, तो अगर आपकी एज ऑफ मेजोरिटी ना हो, मतलब कोई एक माइनर के साथ में एग्रीमेंट कर ले, एज ऑफ मेजोरिटी का जो बंदा नहीं है उसके साथ में अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो सबसे पहली बात याद रखना, एग्रीमेंट विल बी वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट विल बी वॉइड एब इनिशियो। ओके, अब ये लैटिन मैक्सिम है, इसका मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या होता है इसका मतलब, फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, मतलब क्या होगा, अगर आप माइनर के साथ में एग्रीमेंट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो रहेगा, मतलब बिगिनिंग से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। बिगिनिंग से आपका जो एग्रीमेंट रहेगा वो क्या बन जाएगा, वॉइड। तो उससे कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। रीजन इज वेरी सिंपल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इसेंशियल एलिमेंट बोलता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आप लोग की कैपेसिटी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे, जब आप लोग एज ऑफ मेजोरिटी के हो। तो अगर आप एज ऑफ मेजोरिटी के हो ही नहीं तो आपको नहीं लगता कि आप यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे, और कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनने वाला है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर आप किसी माइनर के साथ में कोई एग्रीमेंट करो तो वो हमेशा क्या रहेगा बताना, वॉइड एब इनिशियो रहेगा, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग वो क्या बनने वाला है, वॉइड बनेगा। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक सा केस लॉ हुआ है, अब वो केस लॉ हमको यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, और आज हम इतने पे स्टॉप करेंगे क्योंकि केस थोड़ा सा हैवी है। ठीक है, ध्यान दो, केस लॉ इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड क्या है, पहले तो आप लोग आपके दिमाग में एक बात फिट कर दो, अगर किसी माइनर के साथ अग्रीमेंट करोगे तो वो वॉइड एब इनिशियो रहेगा, इन शॉर्ट वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं रहेगा। आप कोर्ट ऑफ लॉ में वैसा कोई एग्रीमेंट लेके जाओ तो कोर्ट बोलेगा भाई तुम बेवकूफ हो, तुम माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो कोर्ट कभी भी एनफोर्स नहीं करेगा, इट विल बी नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, क्योंकि ये बिगिनिंग से क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। ठीक है, तो दिमाग में फिट कर लो एक बार, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर या एग्रीमेंट विद माइनर विल बी व्हाट, वॉइड एट इनिशियो। इज दैट क्लियर? अब आगे मेरी बात सुनो, अब हम लोग ये समझने के लिए केस लॉ देखने वाले, दैट इज मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष,
धर्मोदास घोष, ओके वो घोष है लेकिन हमारे पर्टिकुलर मॉड्यूल में तो ऐसे उसका नाम दिया है, मोहरी बीबी वर्सेस व्हाट धर्मोदास घोष, ओके चल प्लीज कंफर्म कर लो कि केस लॉ क्या हुआ था क्या नहीं, ध्यान देना मेरे पास में आराम से, ठीक है। देखो बच्चों, एक धर्मोदास नाम का एक पर्टिकुलर बंदा था, धर्मोदास घोष, ओके तो ये पर्टिकुलर बंदा था, इसका इंट्रोडक्शन करा दू, ये था माइनर, ओके दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज व्हाट माइनर, ये एक माइनर था। इसने क्या किया था बच्चों, इसने एक पर्टिकुलर बंदे से लोन लिया जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, ओके धर्मोदास घोष ने क्या किया था, एक पर्टिकुलर बंदा दैट इज ब्रह्मदत्त उससे उसने लोन लिया था, ठीक है। अब देखो इससे लिया था लोन और बदले में ब्रह्मदत्त ने क्या किया, ब्रह्मदत्त ने इससे कुछ अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने लगा है। अब ये धर्मोदास घोष के पास में ऐसा पकड़ के चलिए इमोएबल प्रॉपर्टी काफी थी, इसके पास में इमोएबल प्रॉपर्टी काफी थी, इमोएबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, लैंड बिल्डिंग एंड ऑल उसके पास में काफी थी। तो बंदे ने धर्मोदास घोष ने लोन लिया जो कि एक माइनर था धर्मोदास घोष, और बदले में ये जो अपनी इमोएबल प्रॉपर्टी थी वो उसने क्या कर दी बताना, उसको मॉर्गेज कर दी, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉपर्टी कर दी मॉर्गेज और ले लिया लोन। एक्चुअल में ब्रह्मदत्त घोष, ये जो ब्रह्मदत्त है उसने कोई लोन नहीं दिया था, बल्कि ब्रह्मदत्त का एक एक्चुअली एजेंट था, एजेंट ने उसको लोन दिया था। बट देखो मैं कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ आपको पॉइंट ये बता रहा हूं कि माइनर के साथ में एग्रीमेंट वॉइड होगा। हमारे मॉडल में देखोगे तो कुछ भी लिखा नहीं है, एकदम फटाफट निपटा दिया है, तो मैं भी पूरे डिटेल में केस लॉ के नहीं जाऊंगा। एक्चुअल में लोन इसके पर्टिकुलर एजेंट ने दिया था, तो वो बहुत सारे कंटेंशन सामने आएंगे तो दिमाग आपका काम नहीं करेगा, तो जो हमको पॉइंट देखना है तो वो हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लोन दिया था ब्रह्मदत्त ने और इसने अपनी मॉर्गेज करी थी प्रॉपर्टी ब्रह्मदत्त को, ठीक है। अब लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीनवाइल क्या हुआ, धर्मोदास की जो मदर है, ओके अब ये कौन है बताना, ये मदर है इस पर्टिकुलर धर्मोदास घोष की, तो इसको बाद में पता चला कि मेरे बच्चे ने क्या कर दिया बताना, उसके नाम की जो इमोएबल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, किसको ट्रांसफर कर दी बताना, इस ब्रह्मदत्त को मॉर्गेज कर दी, ट्रांसफर बोलने से अच्छा बोलूंगा मॉर्गेज कर दी, और बदले में उसने क्या ले लिया, लोन ले लिया, ठीक है। अब इस मदर को लगा कि यार इसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी और इतना बड़ा लोन ले लिया, तो अब तो ये मैं रीपे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये बच्चा भी कुछ काम नहीं करता और मदर भी लेट से कुछ काम नहीं करते, इनकी बस प्रॉपर्टी थी और वो भी उसने क्या कर दी, मॉर्गेज कर दी और उसके बदले में लोन ले लिया, किसने, धर्मोदास घोष ने। तो अकॉर्डिंगली इस मदर ने क्या किया, मदर ने, अब देखो एक बात समझो, ये जो माइनर होता है ना ये अपने बिहाफ पे कुछ नहीं कर सकता, ये खुद केस नहीं फाइल कर सकता, तो इसके जो लीगल गार्डियन होते हैं या लीगल गार्जियन भी आप लोग बोल सकते हो, तो ये लीगल गार्जियन के थ्रू क्या किया जा सकता है, केस फाइल किया जा सकता है। तो इसके मदर ने क्या किया था, धर्मोदास घोष के बिहाफ पे केस फाइल कर दिया ब्रह्मदत्त के ऊपर, ओके। तो केस का नाम क्या बनता है, केस का नाम बनेगा धर्मोदास घोष वर्सेस ब्रह्मदत्त, ओके। तो ये केस का नाम बना। आप बोलेंगे सर यहां पे मोहरी बीबी कहां पे आई, तो वेट करना, मैं हर चीज पे से सस्पेंस पर से पर्दा उठाऊंगा। तो अब क्या हुआ, मदर ने इसके नाम पे केस फाइल किया ब्रह्मदत्त पे, क्या बोल के फाइल किया केस, किस कंटेंशन पे केस फाइल किया, तो मदर ने इस कंटेंशन पे केस फाइल किया कि ये जो बच्चा है ये है माइनर, इसकी एज जो है वो 18 ईयर से कम है, ये कंटेंशन किसने रखा, मदर ने रखा। तो अकॉर्डिंगली अगर 18 ईयर से कम एज होगी तो ये तो क्या बन जाएगा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड बनेगा, ये अग्रीमेंट ही अपने आप में क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ये मदर ने ऐसा क्या कर दिया बताना, कहीं ना कहीं केस फाइल कर दिया। तो जो पहले, जैसे मैंने आपको बताया, पहले केस फाइल होता है लोअर कोर्ट में, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आप लोग जिसको बोल सकते हो, तो लोअर कोर्ट में सबसे पहले केस फाइल हो गया,
तो अकॉर्डिंगली वहां पे अपेरेंट हो गया कि इसकी जो एज थी वो 18 ईयर से कम थी। लेकिन इस पर्टिकुलर ब्रह्मदत्त ने अपने तरफ से कंटेंशन रखे कि भाई देखो, इसने जब मुझसे लोन लिया था तो इसने बताया था कि मेरी एज 18 ईयर से ऊपर है, तो इसने मेरे साथ में फ्रॉड किया, ये बता रहा था। कौन बताना? ब्रह्मदत्त। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाने की कोशिश कर रहा था। क्यों वॉइडेबल? क्योंकि इसका बोलना था कि इस बच्चे ने मेरे साथ में फ्रॉड किया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया और ये बनता था एग्रीड पार्टी, और इसको राइट होता है टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, और जब रिजाइन करेगा तो ऐसा माना जाएगा कि कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो अकॉर्डिंगली ये पैसे रिकवर कर सकता था। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी, कोर्ट ने बोला अगर तुम माइनर के साथ में कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो माइनर के साथ का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। वो क्या हो जाता है बताना? वॉइड एब इनिशियो। मतलब क्या? मतलब ऐसा होगा कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो तुमने अगर उसको पैसे दिए होंगे तो वो तुमको वापस नहीं मिलेंगे। वॉइड एब इनिशियो का ये प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, क्योंकि ट्रांजैक्शन इन द आईज ऑफ लॉ कुछ माना ही नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ? आप उसको कोर्ट उस पर ज्यादा डिसीजन नहीं देती है, कोर्ट डिसीजन ही नहीं देगी। बात समझ में आ गई? तो फिर अगर इसके पास में पैसे पड़े तो इसी के पास में पैसे पड़े रहेंगे, कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं देने वाला। बात समझ में आ गई आपको? तो ये कंटेंशन इसके मदर ने वहां पर रख दिया। ओके, तो यहाँ पे ब्रह्मदत्त केस हारा। ओके, अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा पिक्चर चेंज हुआ। अब ब्रह्मदत्त की डेथ हो जाती है। ब्रह्मदत्त की क्या होती है बताना? डेथ। अब इसके बाद इसकी जो बीवी थी उसको, उसका नाम था मोहिरी बीबी। इस पर्टिकुलर ब्रह्मदत्त की वाइफ थी, उसका नाम क्या था? मोहिरी बीबी। तो जब उसको पता चला कि ये ऐसा केस कौन हार गया बताना, ब्रह्मदत्त हारा, और थोड़े दिनों के बाद ही उसकी डेथ भी हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली अब देखो लोअर कोर्ट का डिसीजन है, तो ये जो थे, ये पर्टिकुलर ब्रह्मदत्त जो था, तो उसकी वाइफ जो थी मोहिरी बीबी, वो कहां जाती है बताना? वो जाती है बड़े कोर्ट में, बराबर हाई कोर्ट में जाती है। तो फिर उस केस लॉ का यहां पे नाम क्या बनता है बताना? मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। बात समझ रही है आपको? धर्मोदास घोष। ओके, जब ब्रह्मदत्त की डेथ होती है तो उसके वाइफ ने फिर क्या किया? केस लड़ा। तो इसके लिए फिर केस ऊपर के कोर्ट में जब गया तो अब वहां पे प्लेंटिफ कौन बन रहा है? मोहिरी बीबी। तो इसके लिए केस का नाम क्या बन गया? मोहिरी बीबी वर्सेस व्हाट? धर्मदास घोष। ठीक है, अब देखो मीनवाइल क्या हुआ, जैसे ही ये यहां पे केस हार गया था ब्रह्मदत्त, वैसे ही ब्रह्मदत्त ने राइटिंग में लिख के लिया था धर्मोदास घोष से। क्या? राइटिंग में लिख के लिया था धर्मोदास घोष से। क्या राइटिंग में लिख के लिया? कि मैं 18 इयर्स या उससे बड़ा होने के बाद, मतलब एज ऑफ मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद, मैं रिपेमेंट करूंगा। मैं क्या कहूंगा? रिपेमेंट करूंगा। तो ये लिखवा के लिया था किसने? ब्रह्मदत्त ने। किससे लिखवा के लिया था बताना? धर्मोदास घोष से लिखवा के लिया। ओके, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में लिखवा के लिया कि भाई मैं 18 साल का ऊपर होने के बाद फिर मैं तुम्हारे पैसे रिपे कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट में जब गए थे तो कोर्ट में तो डिसीजन आ गया कि ये माइनर है तो आप इससे पैसे रिकवर कर ही नहीं सकते, इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही वॉइड हो चुका था। ओके, कोर्ट का डिसीजन ऐसे था। तो इस बंदे ने, ब्रह्मदत्त ने इसको बोला, यार तूने मुझसे पैसे लिए और तेरी मम्मा ने क्या कर दिया? मेरे पे केस फाइल कर दिया तेरे नाम से। तो उसने बोला ठीक है, आपको जो चाहिए मैं करता हूं। उसने बोला कि तू क्या कर, राइटिंग में लिख के दे कि तेरी एज ऑफ मेजॉरिटी होने के बाद तू क्या करेगा, तू पैसे लौटाएगा। नहीं लौटाया तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये हो जाएगी मेरी। बात समझ में आ गई? तो ये लिखवा के लिया था ब्रह्मदत्त ने। फिर ब्रह्मदत्त की होती है डेथ। अब उसके प्लेस पे मोहिरी बीबी ने फिर बाद केस फाइल कर दिया। किसके ऊपर केस फाइल कर दिया? धर्मोदास घोष पे। क्या बोल के फाइल कर दिया? वो पैसे की रिकवरी ये तो दे ही नहीं रहा था। कब? एज ऑफ मेजॉरिटी होने के बाद भी, 18 साल का होने के बाद भी धर्मोदास घोष ने पैसे नहीं लौटाए। तो फिर उसकी जो वाइफ थी मोहिरी बीबी, उसने हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब क्या कंटेंशन रखे मोहिरी बीबी ने? उसने कंटेंशन रखे कि इसने लिख के दिया था कि मैं जब एज ऑफ मेजॉरिटी का होऊंगा तब मैं आपको रिपेमेंट करूंगा। अब ये हम भी मानते हैं कि जब उसको लोन दिया गया था तो वो एज ऑफ मेजॉरिटी का नहीं था,
मतलब माइनर था तो उससे पैसे रिकवर नहीं हो सकते, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, ये हम भी मानते हैं। ये कौन बोलता है? मोहरी बीबी बोलती है। बट मोहरी बीबी ने बोला कि इस धर्मोदास घोष ने लिख के दिया था कि मैं 18 साल का होने के बाद ये पैसे लौटाऊंगा, और अगर नहीं लौटा पाया तो आप प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो, आपके कब्जे में ले सकते हो। ओके, बट प्रॉब्लम वापिस से क्या हो गई? इस धर्मोदास घोष ने सब कुछ करने के बावजूद पैसे दिए नहीं, इसकी वजह से मोहरी बीबी को केस फाइल करना पड़ा। अब कोर्ट में जजमेंट क्या निकल के आया? कोर्ट में जजमेंट निकल के आया, जब उसने लिख के दिया था, ओके, मतलब जब उसने राइटिंग में आपको प्रॉमिस किया था, उस टाइम भी तो वो माइनर ही था, बात समझो, उस टाइम भी वो क्या था बताना, माइनर ही तो था। तो माइनर को तो लॉ समझता है कि बेवकूफ होता है माइनर, उसको तो दिमाग ही नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो अकॉर्डिंगली कोर्ट ने वहां पे क्या जजमेंट दे दी कि जब उसने वो इंस्ट्रूमेंट लिख के दिया था तब भी तो वो माइनर ही था, तो माइनर ही था तो वो भी तो क्या हो गया बताना, वॉइड एब इनिशियो। तो जो उसने प्रॉमिस दिया वो भी क्या बन जाएगा, वॉइड एब इनिशियो बनेगा। एंड अकॉर्डिंगली उस बड़े कोर्ट में तो कौन हार गई बताना, मोहरी बीबी, जो कि ब्रह्म दत्त की क्या थी बताना, वाइफ थी, तो वो वहां पे भी हार गई। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थोड़ा सा ट्रिकी सा केस लॉ। देखो अपने मॉड्यूल में इतना कुछ डिटेल में नहीं दिया था, उसमें सब शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैंने आपको पूरे जो भी उसके फैक्ट्स वगैरह सब थे वो सब आपको बता दिए। अब शॉर्टली मैं आपको ये पूरा केस लॉ एक बार समराइज करा देता हूँ, समराइज कराते वक्त आप लोग से ध्यान देना, सब रिकॉल हो जाएगा। धर्मोदास घोष नाम का एक माइनर था, उसने लोन लिया था ब्रह्मदत्त से और अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी थी ब्रह्मदत्त को, ठीक है। ये बाद में पता चला उसकी मदर को, तो मदर ने केस थोप दिया ऑन द नेम ऑफ धर्मोदास घोष, क्योंकि माइनर के बिहाफ पे उसके लीगल गार्जियन क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। तो इस मदर ने क्या कर दिया, ब्रह्मदत्त पे स्यू कर दिया। तो इसके लिए पहले केस लॉ का नाम था धर्मोदास घोष वर्सेस ब्रह्मदत्त, ओके, क्योंकि मदर तो उसके बिहाफ पे केस फाइल कर रही थी। और क्या कंटेंशन रखे मदर ने, उसने बोला कि इसने जो अग्रीमेंट किया ये तो वॉइड एब इनिशियो है, तो इसका तो कोई इफेक्ट है ही नहीं इन द आईज ऑफ लॉ। तो अकॉर्डिंगली लॉ ने भी बोला जी हाँ, इसका कोई इफेक्ट नहीं था, तब तक तो इसको लोन की एक एडवांस पेमेंट मिल चुकी थी, ठीक है। फिर हुआ ऐसे, ब्रह्मदत्त ने उस धर्मोदास घोष को बोला, यार मैंने तेरे को पैसे दिए और तुम्हारी मम्मा ने क्या कर दिया, केस ठोक दिया मेरे ऊपर, तुम मुझे लिख के दो कि तुम 18 इयर्स प्लस होने के बाद मुझे रिपेमेंट करोगे। धर्मोदास घोष ने लिख के दिया, बट मीनवाइल ब्रह्मदत्त की डेथ होती है और ये 18 साल का होने के बावजूद रिपेमेंट नहीं करता है, तो फिर इस ब्रह्मदत्त की वाइफ मोहरी बीबी क्या करती बताना, हायर कोर्ट में वापस स्यू करती है। लेकिन इस बार किस कंटेंशन पे करती है कि इस पर्टिकुलर धर्मोदास घोष ने राइटिंग में लिख के दिया था कि आई विल रीपे द मनी आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी होने के बाद 18 साल का होने के बाद मैं रीपे करूंगा, बट वो नहीं कर पाया। तो अकॉर्डिंगली मोहरी बीबी ने स्यू किया, बट कोर्ट में वापस से क्या बोला गया कि जब उसने वो राइटिंग में आपको लिख के दिया था कि मैं 18 इयर्स के बाद आपको रिपे करूंगा, तो तब भी तो उसकी एज कितनी थी बताना, 18 इयर्स से नीचे थी, अकॉर्डिंगली वो माइनर ही था, तो वो भी जो उसने राइटिंग में प्रॉमिस दिया वो भी वॉइड एब इनिशियो रहेगा। इज दैट क्लियर? तो इन दिस वे आपको समझ रहा होगा कि माइनर के साथ में एग्रीमेंट किया तो वो कितना भारी गिरता है, वो वॉइड एब इनिशियो रहेगा। बात समझ में आ गई? उसके साथ का एग्रीमेंट हमेशा वॉइड एब इनिशियो होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके और भी हमको बहुत सारे पॉइंट्स देखने हैं, लेकिन हम वो सारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।